अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे बैलेंस शीट क्या है और ट्रायल बैलेंस के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और ट्रायल बैलेंस शीट के आधार पर उन्हें कैसे बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रायल बैलेंस शीट में से जो खाते उठाकर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए हैं, वे सभी खाते समाप्त हो गए हैं और अब हमारे पास सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज के खाते बचे हैं। इनका हमने एक नया ट्रायल बैलेंस बना लिया है। आइए अब हम ट्रायल बैलेंस से एक एक करके सभी खातों के बैलेंस बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, पर उससे पहले हम बैलेंस शीट की परिभाषा भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट एक निश्चित तारीख को तैयार किया जाने वाला ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक और व्यवसाय की पूंजी यानी कैपिटल और दायित्वों यानी लायबिलिटीज को तथा दूसरी ओर संपत्तियों यानी असेट्स को एक निश्चित प्रारूप और क्रम में दर्शाया जाता है। इसे प्रायः वर्ष समाप्ति पर बनाया जाता है। आइए हम इसकी कुछ मुख्य बातें समझ लेते हैं। अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहां डेबिट और क्रेडिट ऊपर लिखा होता था, पर बैलेंस शीट में इस तरह नहीं लिखा जाता है। इसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज के सभी खाते और राइट साइड में असेट्स के सभी खाते एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। आइए अब हम ट्रायल बैलेंस से एक एक करके सभी खातों के बैलेंस बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। ये देखिए, हमने ट्रायल बैलेंस से सभी खातों के बैलेंस ले लिए हैं। आइए अब चिट्ठा यानी बैलेंस शीट देख लेते हैं। इस बैलेंस शीट से हमें अपनी पूरी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे हमें किसे क्या देना है, किसे क्या लेना है और वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर या घटकर अब कितनी है। टैली में अब न तो हमें खातों को क्रमानुसार लिखना होता है और न ही बैलेंस शीट बनानी होती है। टैली ये काम अपने आप करके हमें दे देता है। इस वीडियो सीरीज के प्रारंभ से लेकर अभी तक की वीडियोस में हमने देखा कि मैनुअल अकाउंटिंग किस तरह होती थी और अब टैली ने उसे कितना आसान कर दिया है। साल भर टैली में सिर्फ वाउचर एंट्री करो और साल के आखिर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ एंट्रीज करो, शेष सभी काम अपने आप हो जाते हैं। इसी के साथ टैली हमें व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए अनेक रिपोर्ट्स भी प्रदान करती है। साथ ही टैली में ये सुविधा भी है कि हम जब चाहें तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद वाली वीडियो से हम टैली में काम करना शुरू करेंगे।